लेक इतनी फ्रोजन है कि मैं ऊपर खड़े होने जा रहा हूँ लेकिन बिना कोई बार को पकड़े। तो प्रेरणा डर रही थी लेकिन ये देखिए ये लेक है। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइज। आज की वीडियो में मैं आपको केनोरा शहर दिखाने जा रहा हूँ। केनोरा ऑन्टेरियो में है। इस शहर में 15,000 की पॉपुलेशन है फ्रॉम 2018 की रिपोर्ट से। और एक परस्पेक्टिव देने के लिए मैं आपको बताऊं तो शेरिडन कॉलेज जहां से मैं पढ़ा हुआ हूं वहां ही कॉलेज में ही सिर्फ 23,000 स्टूडेंट्स एनरोल थे। तो इतनी कम पॉपुलेशन है इस शहर में। तो ये है मेरी बहन प्रेरणा, ये यहाँ टिम हॉर्टन्स में मैनेजर है, एक साल से काम कर रही है। कैमरे के पीछे है मनप्रीत जो इसकी रूममेट है। तो आपको भी केनोरा शहर दिखाएंगे, पूरा घुमाएंगे। यहाँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कितनी मेहनत करते हैं, कितनी दिक्कतों का सामना करते हैं। यहाँ का वेदर देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर शहर है। यहाँ वाटर फ्रंट सिटी है, बहुत ही लेक साइडेड सिटी है, बहुत ही सीनिक व्यूज़ हैं। गर्मियों में तो बहुत सुंदर हो जाता है। अभी सारा पानी फ्रोज हुआ पड़ा है विंटर्स के कारण। तो अभी चलेंगे आपको सारा शहर दिखाएंगे। तो दोस्तों अभी हम हार्बर फ्रंट पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं पीछे क्रूज शिप है जो सीन्स का एक्सपीरियंस कराती है, सीनिक व्यूज का। यहाँ गर्मियों में अभी लेक जो है वो फ्रीज हो चुकी है। तो अभी तो नहीं चल रही लेकिन आप देख सकते हैं कितने सुंदर व्यूज़ हो सकते हैं। इमेजिन कर सकते हैं गर्मियों में जब फ्रीज नहीं हो, लेक फ्रोजन अप नहीं हो, तो कितने सुंदर व्यूज़ होंगे यहाँ से। अभी हमारे पीछे ये डाउनटाउन है केनोरा का। तो यहाँ हर स्टोर, पिज़्ज़ा हट हो, डोमिनोज हो, या फिर केसेडा हो, ऐसे टिम हॉर्टन्स हो, वॉलमार्ट, हर जगह कुछ ना कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स काम कर रहे होते हैं। यहाँ तो वो ज़्यादातर वही स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ाई कर चुके हैं और पीआर के लिए जा रहे हैं, वर्क परमिट पे हैं। तो बहुत अच्छा भी लगता है कि इतनी दूर दूर बच्चे भी आते हैं इतने रिमोट प्रोविंसेस में मेहनत करने के लिए। दो दो तीन तीन जॉब्स भी करते हैं अपने खर्चे निकालने के लिए। और बहुत ही छोटी टाउन है, ज़्यादा कुछ एंटरटेनमेंट सोर्सेज आप पंजाबी कल्चर वाले, इंडियन कल्चर वाले हैं नहीं। मैं फंस गया। तो उसके कारण काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि विनीपेग जो मेन सिटी है यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर है। कोविड के कारण थोड़ी यहाँ की एक्टिविटीज़ रद्द हो चुकी हैं, लेकिन जितना मेरे को भी बताया गया है, व्हेन देयर वाज नो कोविड बिफोर देयर यूज्ड टू बी सो मेनी साइट सीइंग एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग आई वुड से सम कार मीटअप्स एंड so many exhibitions around और so many scenic cruises in fact। और एक यहाँ पे हेलीकॉप्टर भी है जो कि आपको पूरी साइट सीइंग कराता है। अदर देन दैट द पॉपुलेशन इन केनोरा गोज ट्रिपल इन समर्स बिकॉज इट्स सच अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल प्लेस। Most of the Manitobians or the people from Winnipeg, they come here and they find this place a great spot to hang around. और बहुत important बात ये भी है कि मैंने जो notice की थी कि यहाँ अगर कोई international student आए अपने शुरुआत में career में जब वो Canada आता है तो काफ़ी मुश्किल हो सकती है। लेकिन ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार हम भूल जाते हैं, हम लोग जब ब्रैम्पटन जाते हैं, सरी जाते हैं, एडमिंटन जाते हैं, या फिर उन स्पॉट्स में जाते हैं जहाँ पहले से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बसे हुए हैं या फिर हमारी कम्युनिटी बसी हुई है, तो हम भूल जाते हैं कितना ग्रेटफुल होना चाहिए कि हमें थोड़ा कम्फर्टेबल महसूस होता है, आउट ऑफ प्लेस ज़्यादा महसूस नहीं होता क्योंकि हमारी कम्युनिटी आसपास होती है। लेकिन इस प्लेस में जहाँ आपकी कम्युनिटी बहुत बहुत कम नंबर्स में है, कम्युनिटी तो है ही नहीं, सिर्फ वही स्टूडेंट्स हैं जो वर्क परमिट पे हैं, तो कम्युनिटी तो है ही नहीं, तो बहुत मुश्किल होता है। तो इस प्लेस में आके महसूस होता है कि हमें कितना ग्रेटफुल होना चाहिए उन लोगों के लिए जो हमसे पहले आए थे, उन्होंने बहुत मेहनत की और तभी हमें यू नो कम्फर्टेबल महसूस होता है, थोड़ा ईज महसूस होती है सेटल इन होने में कनाडा में। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। और अभी हम थोड़ा घूम रहे हैं और आपको और भी दिखाएंगे चीज़ें। व्हाट इज़ दिस स्ट्रक्चर? Usually when we have any college graduations, and by the way, every Wednesday, every week here, there is a farmer's market which
happens here. Let me show you a great view. ये देखिए वो जो red light नजर आ रही है, बहुत ही अच्छा view है यहाँ से. गर्मियों में तो और सुंदर लगेगा. मैंने याद है अभी ऐसी गर्मियाँ में चमी एंड माय रूममेट दे वी यूज्ड टू कम हियर ते ऐसी इतने आके खाने पीने या लाइक वी सिट ऑन द डॉग्स एंड वी जस्ट एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर. ऐसी कोशिश कर दे ऐसी नेचर दे एज क्लोज रहिए एज वी कैन. वो देखिए सनसेट. वन मोर फन फैक्ट, जो आप ये फ्रोजन आइस देख रहे हैं इस वक्त, आई मीन फ्रोजन लेक, ये जनवरी फरवरी तक इतनी ज़्यादा फ्रीज हो जाती है, इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा डाउन हो जाता है कि वी यूज़ दिस लेक एज आइस रोड. फिर हम यहाँ से जो भी आवाजाही के साधन है, गाड़ियाँ, वो गाड़ियाँ हैं वो हम चला सकते हैं. फिलहाल के लिए अभी इसका टेम्परेचर उतना नहीं है, लेकिन जब जनवरी हम जब ज्यादा टेम्परेचर कम हो जाता है, जब टेम्परेचर ज्यादा ही कम हो जाता है, और तब हम इस फ्रोजन लेक को एज एन आइस रोड भी यूज कर सकते हैं. अ ग्रेट फन फैक्ट. दोस्तों अभी प्रेरणा दिखाया था, अभी मैं भी ये स्टंट मारने जा रहा हूँ. लेक इतनी फ्रोजन है कि मैं ऊपर खड़े होने जा रहा हूँ, लेकिन बिना कोई बार को पकड़े. तो प्रेरणा डर रही थी, लेकिन ये देखिए ये लेक है. Oh, no! और इस पर चल भी सकते हैं, लेकिन मेरे बूट साथ नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनमें आइस चले जाती है. बहुत ही फ्रोजन है, अभी मैं पानी में खड़ा हूँ, पानी है इसके नीचे. ग्रॉसरी करने पर हमने रास्ते में देखा एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही कट कर देना, बहुत ही सुंदर कॉफ़ी शॉप थी बाय द नेम ऑफ आयरन एंड क्ले कॉफ़ी शॉप. मेन बात ये है इसकी बकवास बंद कीजिए कि आपको यहाँ ऐसी शॉप्स देखने को ज़्यादातर नहीं मिलती जो लोकल ओनर्स लोकल लोग ओन करते हो, क्योंकि ज़्यादातर बिग ब्रांड्स होते हैं, टिम हॉर्टन्स, स्टारबक्स, उनकी एक स्टैंडर्ड वाइब होती है, स्टैंडर्ड मेन्यू होता है. तो ऐसी शॉप्स देखकर अच्छा लगता है कि कोई नो एक नया एक्सपीरियंस आता है. अब यहाँ टी शर्ट भी बेच रहे हैं. जो इसका अंदर का बेल्ट है वो ब्रिकी है, काफी ज्यादा हीटिंग लगी हुई है. ये व्लॉग बंद कर रहे हैं, जैसे हमने क्यूबेक वाला किया था बंजी जंपिंग वाला, इसको नहीं आता है कुछ. मेरे सामने तीन प्रकार की ड्रिंक्स पड़ी हुई हैं, जिसमें से अब दो रह गई हैं. तो दोस्तों अभी हम डॉलरामा आए हैं. प्रेरणा उनके रूममेट ने थोड़ा सा सामान लेना था, वो ले रहे हैं. डॉलरामा आपको पता ही होगा, यहाँ हर सामान डॉलर्स में मिल जाता है, मतलब $5 से नीचे नीचे में मिल सकता है. जैसे आप देख सकते हैं इन्होंने ये प्लास्टिक बॉट लिया है $4 का है सिर्फ. तो ऐसा छोटा छोटा सामान काफी सस्ता और अफोर्डेबल हो जाता है. तो दोस्तों अभी हम नो फ्रिल्स आए हैं यहाँ ग्रॉसरी करने. तो यहाँ बहुत ही कम इंडियन सामान मिलता है, इंडियन ग्रॉसरी बहुत ही कम मिलती है कंपेयर टू यू नो टोरंटो ब्रैम्पटन, जहाँ काफ़ी सारा इंडियन सामान मिल जाता है आपको ग्रॉसरी स्टोर में. बहुत ही एसेंशियल इंडियन सामान मिलता है, ज़्यादा कुछ मसाले वगैरह मिलते नहीं हैं. तो वो ले रहे हैं अभी ग्रॉसरी के लिए. और ग्रॉसरी वाला व्लॉग अगर आपने मेरा नहीं देखा, मैंने पहले डाला था स्पेशलाइज ग्रॉसरी पर फोकस करने के लिए, उसका मैं लिंक ऊपर अटैच कर दूँगा, वो प्लीज़ देखिएगा.
कंपल्सरी हो चुकी है। अभी हमने टैक्सी कराई है क्योंकि यहाँ ऊबर लिफ्ट वगैरह नहीं चलती है, तो अभी टैक्सी कराई है। टैक्सी वाले को सिर्फ यही बोला था कि नो फ्रिल्स आ जा, और पूरे शहर में एक ही नो फ्रिल्स है। ये था गाइज आज का व्लॉग, केनूरा आपको दिखाया, जितना भी दिखाया और भी केनूरा में काफ़ी कुछ है देखने के लिए, लेकिन हम ग्रॉसरी घर लेकर घर आ गए हैं। आई होप यू गाइज लाइक द व्लॉग, केनूरा आपको पसंद आया होगा। कोशिश की मैंने बहुत सारी चीज़ें दिखाने की और आपको एक्सपीरियंस बताने की। ये है प्रेरणा, ये है उसके हाथ में है लड्डू, लड्डू है गुड्डू का भाई। गुड्डू कौन है आपको इंस्टाग्राम पर सर्च कीजिए gudu_life और आपको खुद पता चल जाएगा। आई होप यू गाइज आर लाइकिंग इट, लाइक कॉमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड आई होप आई कीप मेकिंग दिस वीडियोज़, और फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड कीजिएगा कॉमेंट्स के थ्रू। थैंक यू एंड गुड नाइट।